आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप सैनी अपना यूट्यूब चैनल पर राहुल भाई के साथ जुड़ते हुए जो आप सभी को रीजनिंग और मैथ वगैरह कराते हैं, आज हम भी उनके साथ जुड़कर कुछ मज़ेदार बातें करेंगे आपसे जो आपके लिए बेनिफिट्स साबित होंगी। ठीक है, मैं कुछ चार टॉपिक पर बात करूँगा जो अपने लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ। पहला होगा ड्रीम, दूसरा होगा लाइफ मैनेजमेंट, तीसरा होगा मेंटेन, और चौथा होगा सक्सेस। ये चार वर्ड को हम सभी ने सुने भी होंगे अच्छे से, बस कभी इन तक विचार ही नहीं क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अगर ये कर लिया होता तो बहुत कुछ होता आज। ठीक है, बात करता हूँ पहले कुछ जनरल से। ये मैंने चार वर्ड से क्यों यूज लिए, मेन बात तो यही है कि इन पर चार वर्ड से क्यों मैं यूज ले रहा हूँ, इसके लिए जनरल बात करता हूँ। ठीक है, हम सभी का अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मेरा भी है। उस फ्रेंड सर्कल में मैंने जैसे अपने दोस्तों से हम बैठते तो उनसे बातचीत करते ना भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही, तो उन सभी का कॉमन सा वो जवाब होता था यार पढ़ाई तो पूछो मत यार, कोचिंग थी जब तक पढ़ाई थी, अब बंद हो चुका है सब कुछ, अब मन नहीं लगता। उनसे ये पूछो मन क्यों नहीं लगता, कुछ का जवाब होता है कि यार टाइम ही नहीं मिल पाता, पूरे दिन में लॉकडाउन में टाइम नहीं मिल पाता, तो क्यों नहीं मिल पाता उसका भी कारण है, मन नहीं लगता क्योंकि ड्रीम नहीं है, टाइम नहीं मिलता क्योंकि अपने पास मैनेजमेंट नहीं है, पूरा दिन कैसे निकल रहा है कोई उसका वो ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं चार टॉपिक लेके आया हूँ, चारों पे बात करते हैं। पहला होगा ड्रीम, ड्रीम या कह दो गोल, क्या मतलब है, या फिर मैं सीधी सीधी लिखता हूँ कि आगे क्यों, वाय, तीनों। ये ड्रीम क्यों जरूरी है, लाइफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, और ये मेंटेन क्यों जरूरी है अपनी लाइफ में। ड्रीम के लिए तो सिर्फ एक लाइन काफी होती है कि समय पर तय कर लीजिए कि हमें क्या करना है, वरना फिर समय तय कर लेगा कि हमारा क्या करना है। देखो ये जरूरी होता है ड्रीम गोल, लगभग हम सभी का होता भी है कुछ, लगभग 80% लोगों का फिक्स होता है कि उन्हें लाइफ में क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। ठीक है, लेवल पर बात करते हैं। लेवल जैसे कि एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, किसी का पुलिस हो गया, किसी का पटवार हो गया, कुछ भी, आप लेवल पे बात करते हैं। हम सभी का लेवल होता है कि हम यहाँ तक अपने पेपर क्रैश कर सकते हैं, मतलब उनको। ठीक है, तो मैं ड्रीम गोल अगर इस समय पर तय कर ले ना तो इसके लिए अच्छी मेहनत की जा सकती है, और सही समय यही होती है जो लगभग 18 से लेकर 25 साल तक हम सभी मानते हैं कि यही उम्र होती है कि इसमें अपना करियर बनाया जाए, अपने अचीवमेंट्स पाए जाए। ठीक है, लगभग 80% लोग डिसाइड ही कर लेते हैं, बस उन पर क्या वर्क नहीं किया होता, उन्होंने कर तो लिया ये लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं तय किया, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरे दिन में कितना टाइम देना है, बस सोच तो लिया कि हाँ ड्रीम हो गया अपना यार, अपने को बनना है, लेकिन बस उसको कभी आगे वर्क एथिक नहीं किया, उसके कार्य नीति नहीं बनाई उसकी, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्यों जरूरी है लाइफ में, क्योंकि तो मैनेजमेंट के लिए एक ही बात काफ़ी है कि अगर हमें सब्जी बनाने को कहें और वो सब्जी अगर हमें बनानी आती है अच्छे से तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम बड़ी अच्छी सब्जी बनाएंगे जो खाने लायक होगी, अगर सब्जी नहीं बनानी होती नहीं आती है तो मतलब सब्जी कैसी बनेगी जो हमारे पेट के लिए भी ख़राब होगी दिमाग के लिए भी ख़राब होगी। इसीलिए मैनेजमेंट का हमारे लाइफ में रोल होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारा माइंड भी अच्छा चलेगा, दिमाग भी अच्छा काम करेगा, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा सुबह कब होती है शाम कब होती है। ठीक है, मैनेजमेंट तो पता होना चाहिए कि कब क्या कर रहे हैं कब क्या नहीं कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल का देखो सीधा सा एक चीज़ बताता हूँ, मोबाइल मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम पर डिपेंड करती है, ये एनिमी अगर हम इसको बनाते हैं तो सबसे बड़ा एनिमी हमारा यही है, अगर इसको फ्रेंड बनाएंगे तो सबसे बेस्ट फ्रेंड भी यही बनेगा, पर डिपेंड हम पर करता है हम इसको क्या बनाते हैं मोबाइल के लिए, तो पूरा दिन निकल जाता है लोगों का मोबाइल में, पूछो क्या किया मोबाइल में, कुछ नहीं, बस
उनका रिप्लाई ये होगा कुछ नहीं किया बस, पर चलाया पूरा दिन मोबाइल, क्या चलाया उसका कोई डिसाइड ही नहीं किया। पर मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी जरूरी होता है कि हमें समय का पता हो, और समय के लिए अगर मोबाइल आपके पास है ना तो पूरे दिन लगभग आप टाइम देखते रहिए, मोबाइल चला रहा हूँ अब क्या समय, मैंने मोबाइल किस वक्त फ़ोन से हाथ हटाया, मतलब मैं किस घंटे सो रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसीलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक टाइम टेबल सेट करता हूँ जो नॉर्मल लोगों का होता भी है, मैं इधर लिख रहा हूँ। नॉर्मल लोगों के मैनेजमेंट बताता हूँ कि अपना अपनी उम्र के लोगों का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम कितने घंटे सो रहे हैं, कितने घंटे हम अपना टाइम को किसी को दे पा रहे हैं, कितने घंटे हम अपनी स्टडी को दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सोने से। मेरे टीचर कहते हैं कि सोना नहीं होता है, रिलैक्स होता है, अपने माइंड के लिए भी बॉडी के लिए बताऊँ। ठीक है, सर रिलैक्स टाइम मैं ये समझता हूँ 7 घंटे बहुत होते हैं लोगों के लिए, इसको मैं 3-4 से डिनोट करूँगा, 3-4-2-5। अच्छा, मैंने 3-4-2-5 लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिन में क्या 3 घंटे सो ले, क्या रात को 4 घंटे सो जाए, या फिर दिन को 2 घंटे सो ले, या रात को 5 घंटे, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर को किस तरह मतलब रिलैक्स करते हैं, चाहे दिन में 2 घंटे सो जाओ चाहे रात को 5 घंटे सो जाओ, वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, रिलैक्स टाइम हो गया, अब होता है उठना, मॉर्निंग में कितने बजे जगते हम? 6 के लिए मैं सबसे बेहतर समय समझता हूँ 6-4, मैंने जो लिखा है ना 6-4 का मतलब होता है कि मैं इधर टाइम लिख रहा हूँ कि कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, 4 बजे उठ के 6 बजे तक हम अपन शरीर को दें, मतलब व्यायाम वगैरह। आप जरूरी नहीं कि 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, जरूरी नहीं है कि ये कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि 4 बजे उठना है, 4:30, 5, 5:30 जो भी, लेकिन 6 बजे तक मैं ये समझता हूँ कि आपका जो टाइम हो ना ये अपने शरीर के लिए हो, मॉर्निंग वॉक वगैरह जो हम बोलते हैं ना अपने शरीर के लिए दें, 6-9 या 6-10 समय दे दीजिए आप, ये सिर्फ बिगिनर के लिए, जो इसने अभी स्टार्ट नहीं किया ना उसके लिए लगभग 4 घंटे का समय होगा ये। अच्छा, ये 4 घंटे किसके लिए? ये आपके वर्क के लिए, वर्क कैसा हो गया, घर का काम करें, या फिर आप नहाना खाना पीना जो भी होता है ना आपका, 4 घंटे में कीजिए। अच्छा, 10 से 12, 2 घंटे, इसको मैं डॉट डॉट से डिनोट करता हूँ कि मैंने डॉट डॉट से किस लिए किया, इसको मैं बाद में बताता हूँ, जैसे आपको ये समझ लीजिए कि 2 घंटे हैं जो डॉट डॉट से मैंने डिनोट किया। 12 के बाद समझिए आप क्या क्या करना है, 12 से लगभग 2 बजे तक, या आपका फिर से वही रिलैक्स टाइम हो गया। ठीक है, मैं इधर लिख रहता हूँ, टाइम हो गया। अच्छा, 2 से 4, 2 घंटे वही डॉट डॉट से डिनोट कर रहा हूँ। अब 4 से 9 लगा लीजिए आप, 4 से 9 लगभग 5 घंटे, ये वही वर्क के लिए जोड़ लीजिए आप, क्या लगभग हम सभी घर से जुड़े हुए हैं, लगभग गांव से अगर है तो पूछो मत ना काम का क्या है, तो गांव में काम भी ज़्यादा होते हैं। तो 4 से 9 बजे तक आराम से आपको शाम का जो टाइम मिल रहा है उसमें खाना खाइए, जो भी खेलना है कूदना है, जो भी 9 बजे तक आपको लगे ना कि हम 9 बजे तक फ्री हो रहे हैं, ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ मैं, जो शुरुआत में भी जिसने अभी पढ़ना चालू नहीं किया ना उसके लिए। बाकी जैसे आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओगे ना तो 4 से 9 का टाइम नहीं होगा, फिर वो आपको इधर 5 से लेके लगभग कुछ 8 बजे तक आपको टाइम देना पड़ेगा, 5 से 7 तक लगभग 2-3 घंटे बस। ये तो सिर्फ मैंने बिगनर के लिए बताया कि उसके लिए 5 घंटे होते हैं जो भी टाइम करना है उसमें काम के लिए, 9 से 11। ठीक है, ये फिर मैंने डॉट से डिनोट कर दिया 2 घंटे लगभग, 11 से फिर वही 4 बजे तक आप सोइए आराम से, रिलैक्स कीजिए बॉडी को, ये 5 घंटे हो जाते हैं। देखो, दिन में 2 घंटे हो गए सोने के लिए, रिलैक्स के लिए, शाम को भी रात को भी हो गए 5 घंटे। ये टाइम आपके ऊपर मैनेज करता है, ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बनाया उसे फिक्स पकड़े, जैसा मन करे वैसा बनाइए। ये तो मैं एक बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि जो उसने अभी स्टार्ट किया नहीं है और जो चाहता है कि मैं स्टार्ट करूँ, ये सिर्फ उसी के। अच्छा, मैंने डॉट डॉट से जो टाइम डिनोट किया था ना मैं उसको एक तरफ लिख रहा हूँ, मैंने 2 घंटे सुबह लिए थे, 2 घंटे दोपहर, ये बचते हैं हमारे पास जो खाली 6 घंटे। 6 घंटे समझते हो, बिगनर के लिए भी काफ़ी, जो बिगनर से ऊपर चला जाए ना, जो की बात करें 1st, 3rd,
सेकंड, यानी सेकंड लेवल पे जो पढ़ना चाह रहा है 6 घंटे आराम से, उसके लिए 6 घंटे बचते हैं। ठीक है, बिगिनर के लिए तो 2 घंटे भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि 2 घंटे भी पढ़े ना इसमें, 6 घंटे में से 2 घंटे फिर भी उसके पास 4 घंटे बचते हैं। आप जैसे जैसे लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, अच्छा एक क्या होता है कि लोग चाहते थे कि हम फॉलो करें 6 दिन तक 7 दिन तक, कोई तो 2-3 दिन तक फॉलो करेगा, 3 दिन तक करेगा, 4th दिन भूल जाएगा। इसको एक लेवल में काम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को लेवल लेवल में काम करवाइए, 1st, 2nd, 3rd 3 लेवल रखिए चीज़ों के, जो भी काम करना हो ना लाइफ में कभी भी, अगर पढ़ना है तो 3 लेवल तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेवल मतलब समझते हो क्या होता है कि पहला लेवल होता है सोचना किसी भी चीज़ के लिए, दूसरा उस पर कार्य करना, और तीसरा उसका मतलब हम जो बोलते हैं पेशेंस या उसका सब्र रखना कि उसको चीज़ पे निरंतरता बनाए रखना, ये समझ लीजिए कि पहला सोचा किसी काम के लिए, दूसरा उसको करना, और तीसरा उसका निरंतरता। ठीक है, लेवल 1st का मतलब होता है 7 डेज। अगर हमने ये अपना जो टाइम टेबल बनाया है, ये हम इसको 7 दिन के लिए अपने मन को पूरे माइंड को पूरी तरह समझा देंगे कि 7 दिन मेरे को ये पूरी तरह फॉलो करना है, मेरे को सुबह इतने बजे जगना है, रात को इतने बजे सोना है, मेरे को दिन में 6 घंटे मिल रहे हैं तो मैं 6 घंटे में इतने घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, ये पूरे दिन के लिए 7 दिन में अगर आपने कंटिन्यू फॉलो किया, उसके बाद से लेवल 2nd स्टार्ट कीजिए, वो होता है 15 दिन का। ठीक है, 2nd लेवल के बाद आप आए लेवल 3rd। लेवल 3rd यानी किस दिन, और ये कहा जाता है कि किसी आदत को या किसी चीज़ को अगर आदत बनानी है तो 21 दिन के लिए काफ़ी है, और अगर उसे ज़िंदगी में अपनाना है तो 90 दिन काफ़ी होते हैं। 21 दिन के बाद ये आपके लिए लाइक परमानेंट हो जाएगी, तो 7 लगभग हो जाएगा, 1 महीना लगभग, 1.5 महीने से ऊपर। लेवल में काम करने की कोशिश कीजिए, इसको पहले 7 दिन, फिर उसके बाद 15 दिन, फिर उसके बाद 21 दिन। ठीक है, ये तो हो गया अपना टाइम टेबल। टाइम टेबल के बाद आते हैं मेंटेन, मैंने जो लिखा ना, ये मेंटेन क्या चीज़ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा खुला है। अच्छा, मैंने लिखा मेंटेन, मेंटेन का मतलब क्या हुआ है ये बता रहा था। लगभग 80% लोग ही सोच लेते हैं ड्रीम गोल का, 40% क्या करते हैं अपना मैनेजमेंट तैयार कर लेते हैं, बाकी उसमें से अब 10% लोग क्या करते हैं, इस मैनेजमेंट को बरकरार बनाए रखते हैं, उसमें निरंतरता रखते हैं, यानी कंटिन्यूस रखेंगे उसको 1.5-2 महीने 3 महीने जब तक वो अपना गोल या ड्रीम पाना ले लें। बाकी उसमें से 40 में से 10% लोग ही रखते हैं, बाकी 30% लोग नहीं रख पाते, वो 10 दिन करेंगे, कोई 1-2 महीने तक ही करेगा, कोई 2 दिन तक ही करता है, 3rd दिन फिर वो अपनी जैसे पहले लाइफ चल रही थी वैसे बनानी शुरू कर देगा। ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे आप 10 दिन तक इसको कंटिन्यू फॉलो किया, ठीक है, 11वें या 12वें दिन आपने इसको बहुत समझ के हट गए आप इससे अपने मैनेजमेंट से, जैसे पहले ज़िंदगी चल रही थी वैसे जीना स्टार्ट कर दिया, कोई पढ़ना नहीं कुछ भी नहीं, 13वें दिन आपको जाके एहसास होता है कि मेरा जो मैनेजमेंट तैयार हुआ था ना वो मेरा अच्छा चल रहा था, मैं उसी पे काम करना शुरू करूँगा, तो आप 13वें दिन स्टार्ट मतलब सोचना चालू कर देंगे कि यार मेरे को वही लाइफ करनी है, मेरे को वही जीना है, तो 13वें दिन आप क्या करेंगे, जो 11वें 12वें दिन छूटा था ना उसी को आप रिपीट करने की कोशिश करेंगे, उसी को वापस लाने की कोशिश करेंगे, जो कि यही सबसे बड़ा गलत मैं समझता हूँ। जो पास्ट है वो बीत चुका है उसको छोड़िए, प्रेजेंट है उसी पर काम करना शुरू करिए, यानी कि 13वें दिन आप 13वें दिन से स्टार्ट काम करना शुरू कीजिए, 11-12 दिन के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी, क्यों जो छूट गया मैं उसे कवर करता हूँ पहले फिर जाके प्रेजेंट वाला कंप्लीट करूँगा ना, पहले प्रेजेंट वाला कंप्लीट कीजिए, जो टाइम मिलेगा ना उसमें जाके आप जो काम बच चुका है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, उसके चक्कर में ना पड़े कि पहले पास्ट वाला ही कंप्लीट कर। अच्छी बात है, कम से कम मैं ये कहता हूँ 3 महीने बना के रखिए, आपको एक अलग ही उम्मीद होगी, जो होता है ना कि विश्वास होगा आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ सक्सेस की, 3 चीज कर लेंगे चौथी सक्सेस क्या होगी, इसके लिए बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, हार्डवर्क। ठीक है, हार्डवर्क हो गया, दूसरा डिसिप्लिन, चौथा डिसिप्लिन के बाद में आपका फेलियर हो गया, फेलियर के बाद में आपका
कंसिस्टेंसी हो गया। कंसिस्टेंसी के बाद में आपका कंसिस्टेंसी हो गया, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, ओके। एक आपका प्रीसेंस हो गया, एक आपका रिजेक्शन हो गया। काफी चीजें होंगी, अगर ये चीजें आप में रखेंगे ना, ठीक है, आपका सेक्रीफाइस हो गया, ये चीजें होंगी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, फेलियर, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली, रिजेक्शन, ये चीजें आपको बना के रखनी होंगी। हार्ड वर्क होगा तभी जाके आपका काम कंप्लीट होगा। डिसिप्लिन से आपको काम पूरा रखना पड़ेगा। फेलियर, ये जरूरी नहीं कि आप पहली बार में सक्सेस पा जाए, बिल्कुल ना, तीसरी चौथी बार में मिलेगी। कंसिस्टेंसी, ये आपको मतलब आपको जो कहते हैं ना, आपका माहौल कैसा होगा उस पर जरूरी है। कंसिस्टेंटली, निरंतर तरह, ये आपको जरूरी नहीं कि 3 महीने फॉलो करना है, 6 महीने के लिए लाइफ टाइम करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। रिजेक्शन, चीज़ों को लेकर त्याग करना पड़ेगा, उनको मना कर देना पड़ेगा, ठीक है, किसी ब्याज आदि वगैरह जो भी मतलब फालतू जो टाइम आप स्पेंड करते हैं ना उसको रिजेक्शन कीजिए। सेक्रीफाइस भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। अगर कोई ये कहना कि मेरे से फॉलो नहीं छोड़ दे, एक सिंपल सी चीज़ है, वही आपसे फॉलो नहीं होगी फिर आपसे क्या होगा, ठीक है। कोशिश करने से सब कुछ होता है। संस्कृत के शब्द है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इन सबको हटा के मैंने लिखा आत्मता वृद्धि विनाश हो। इसका मतलब होता है कि विनाश और विकास ये दोनों आपके हाथ में ही है, ठीक है। कोई तीसरा आके आपके ना तो विनाश करेगा ना विकास करेगा। जो हम कहते हैं ना किस्मत, हम बात करते हैं किस्मत की, देखो किस्मत 1% लोगों की होती है, बाकी 99% लोगों की मेहनत होती है, ठीक है। 99% मेहनत होती है, 1% ही किस्मत होती है। उस 1% के चक्कर में हम क्या करते हैं, 99% मेहनत को खो देते हैं कि यार किस्मत होगी तो नौकरी लग जाएगी, नहीं तो फिर रहने दो। सर ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी तभी जाके आपका काम बनेगा, नहीं बनेगा वरना कुछ नहीं है, फिर तो मजदूरी है, और वो तो फिर आज आपसे अभी से स्टार्ट कर दे तभी फायदा होगा उसका, तो ठीक है। अगर आपको लगे ना कि मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ कुछ, तो मेरे पास और भी काफी टॉपिक्स हैं जिन पर आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, आपको सजेशन ही दूं, जरूरी नहीं वीडियो की। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, पहला हुआ है पढ़ना, कि पढ़ना कैसे है, दूसरा पढ़ा लिखा है आदमी होता है, तीसरा मेन सबसे बड़ा ये कि इंग्लिश का जो फोबिया हो, जो बोलते हैं इंग्लिश के नाम से, तो बस दिमाग बंद काम करना बंद कर देता है लोगों का ज्यादातर। इनके लिए है मेरे पास कुछ मजेदार बातें, इनके लिए भी है। अगर आपको लगे मैं अच्छा बता रहा हूँ तो आप मेरे पास कमेंट करके मेरे को बता दीजिए पहले, ठीक है। थैंक यू।